जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रह सकता, आज का राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार में मुनाफा लिखा हुआ है उन राशियों को भी जानेंगे, और कौन सा समय आपके लिए मुफीद रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा रह सकता है, किन कम्युनिटीज के अंदर आज मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, फंडामेंटली टेक्निकली और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। रखलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपको बहुत बहुत अभिवादन और शुभ प्रभात जी। रखलेश जी, कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे आज का राशिफल जानना चाहेंगे कि आज राशियों के हिसाब से दिन कैसा रह सकता है और ट्रेडिंग के लिए किन राशियों का सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, टाइमिंग कौन सी बेस्ट रहेगी आज ट्रेडिंग के लिए, चाहे कमोडिटी बाजार में करें चाहे शेयर बाजार में करें। अखिलेश जी, भारतीय ज्योतिष के मुताबिक 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड यानी विभाजन किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। जैसे अग्नि तत्व को 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु, ये ट्राइंगल बेस के ऊपर होती हैं, और कालपुरुष की जो हम यदि हॉरोस्कोप बनाते हैं तो ये तीनों त्रिकोण की राशियां मानी जाती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो 1, 5, 9 आज आपके लिए दिन मुफीद यानी अच्छा रहेगा, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन एक घंटा आपके लिए खतरे का भी साबित हो सकता है, वो 3 बजे से 4 बजे के बीच। उस वक्त आप अतिरिक्त सावधानी रखिए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 2, 6 और 10 यानी वृषभ कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। ऐसे लोग एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रो कमोडिटीज के अंदर अधिक लाभ कमाने के इसमें सक्षम होते हैं, और इनको बहुत जल्दी तेजी मंदी का अग्रिम अनुमान भी कभी कभी लग जाता है, जो अक्सर सत्य साबित होता है। तो 2, 6, 10 की जहां बात करें, निश्चित रूप की ओर इशारा कर रहा है, कभी एक कदम आगे एक कदम पीछे, डायलिमा यानी कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति रह सकती है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में तो इनको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आज के दिन आपके लिए मुफीद रहेगा या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3, 7, 11 के लिए चंद्रमा की जो पोजीशन है वो बिल्कुल मुफीद नहीं है, अच्छी नहीं है, वो परेशानियां दर्ज कर सकता है, और ये परेशानियां असमंजस भी हो सकती है, या अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करने की वजह से भी हो सकती है, या आया हुआ मुनाफा समय पर नहीं बुक करने की वजह से भी हो सकती है। तो बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो इन 3, 7, 11 में हो सकती है, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मिथुन राशि के लिए मैं एक और कहूंगा, ये बहुत ही चतुर चलाक और बुद्धिमान राशि मानी जाती है, लेकिन कई बार अत्यधिक चतुराई लगाना भी खतरे का सबब बन जाता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। और विशेषकर एमसीएस के ऊपर यदि कोई कारोबार कर रहा है तो उसको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए 7 से 8 बजे के बीच में। और एनसीडेक्स पे एग्रो कमोडिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं उन कारोबारियों के लिए जो 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। अब आप आइए 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, आपकी गंभीरता, आपका सामंजस्य बहुत प्रशंसनीय स्तर होता है, और ऐसे ही लोग जो हैं आगे बढ़कर बड़ा अच्छा लाभ कमाने की स्थिति में भी होते हैं और बड़े कारोबारियों के रूप में जाने जाते हैं। आज आपके दिन अच्छा है, लाभ कमाने की स्थिति रह सकती है, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में यदि आप एमसीएस में काम कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो कारोबारियों को एक और मैं हिदायत देना चाहता हूं, अपडेट देना चाहता हूं, देखिए क्षमताओं के साथ काम करना बहुत जरूरी है, और क्षमताओं से ऊपर उठ के जो काम करता है वो अक्सर परेशानी में आ सकता है। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने जाना था कि आज का राशि फल कैसा देखने को मिल सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा लिखा है, कौन सी राशि लाभ की कमाने की स्थिति में रह सकती है कर्नल अजय जी से।